कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं सब स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जांपल दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और एग्जांपल कुछ ऐसा है, द माइलेज विच कार ओनर गेट विद द सर्टेन काइंड ऑफ रेडियल टायर इज रेंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन। उसके लिए हमको मीन क्या दिया हुआ है, मीन यानी कि म्यू की वैल्यू दी हुई है हमको 4000 किमी। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, द माइलेज विच कार ओनर गेट विद द सर्टेन काइंड ऑफ रेडियल टायर, यानी कि कार में जो टायर डाले गए हैं उसके हिसाब से ओनर को क्या मिलते हैं, उसकी माइलेज मिलती है। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसके लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दिस टायर विथ लास्ट, यानी कि एक टायर के लिए हमको एटलीस्ट 2000 किमी, यानी कि 2000 किमी तो वो क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, उससे ज़्यादा चले तो भी चलेगा। और उसके बाद एटमोस्ट यानी कि 3000 से कम, एटमोस्ट 3000 किमी, यानी कि 3000 से लेकर 0 तक उसके बीच में चलना चाहिए। उन दोनों के लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मीन हमको दिया हुआ है, मीन यानी कि म्यू, म्यू ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/लैम्ब्डा, वो दिया हुआ है हमको 4000 किमी, यानी कि लैम्ब्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4000। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन है, f(x) इज इक्वल टू लैम्ब्डा e^ माइनस लैम्ब्डा x। तो लैम्ब्डा की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 1/4000। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4000 e^ माइनस 1/4000 x, x ग्रेटर देन 0। अभी सबसे पहले फर्स्ट हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था एटलीस्ट 2000, यानी कि 2000 तो चलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चले तो भी चलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 ऐसा लिख सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2000 टू इनफाइनाइट f(x) dx, f(x) की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं फंक्शन की, इंटीग्रेशन ऑफ 2000 से लेके इनफाइनाइट तक 1/4000 e^ - 1/4000 x dx। इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कांस्टेंट क्या है 1/4000 वो बाहर आ जाएगा, e^ -1/4000 x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, e^ -1/4000 x डिवाइड बाय 1/4000 का 1/4000 -1/4000, लिमिट क्या आ जाएगी 4000 कैंसिल, माइनस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस e^ -1/4000 x, लिमिट है 2000 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए हो जाएगी 0, तो वो हम लिखते नहीं हैं। तो 2000 पुट करेंगे, e^ सबसे पहले माइनस है, e^ इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट, उसके लिए 0 ऑलरेडी हो जाएगा, माइनस e^ 2000/4000 यानी कि 1/2 को हम लिख सकते हैं, -0.5,
ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ई रेस टू माइनस 0.5 इसकी कैल्सियम में वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमको प्रोबेबिलिटी फॉर द एक्स ग्रेटर देन 2000 मिल जाएगी 0.6065। ये मिल गई हमको प्रोबेबिलिटी जब टायर 2000 किमी से ज़्यादा चले। उसके बाद हमको दिया गया था एटमोस्ट 3000, यानी कि 3000 तक चले तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 3000, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, 0 to 3000 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3000 1/4000 ई रेस टू माइनस 1/4000 dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1/4000 ई रेस टू माइनस 1/4000 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, वह का वैसे रहेगा, 1/4000 इंटू एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस 1/4000 4000 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट क्या थी 0 to 3000। माइनस सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ई रेस टू माइनस 1/4000 इंटू एक्स, लिमिट 0 to 3000। लिमिट पुट कर देते हैं, सबसे पहले एक्स की जगह पे क्या आएगा 3000, यानी कि माइनस ई रेस टू 4000 4/3 माइनस ई रेस टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ई रेस टू माइनस 0.75 माइनस ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 क्या होता है 1, माइनस ई रेस टू माइनस 0.5 क्या होता है माइनस 0.4723, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ई रेस टू 0 होता है 1। इसको सिंप्लीफाई कर देगी तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.5270। ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए मिल गई, जब टायर 0 से लेके 3000 किमी तक चलेगा उसके लिए। तो ये दोनों हो गए हमारे फाइनल आंसर।